नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है और आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो, तो ये मुद्दा आपके सामने मैं लेकर आया हूँ और इसमें मैं तमाम बातें डिस्कस करूंगा, ऑफिशियल सोर्स भी बताऊंगा, अपनी एनालिसिस भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि सीयूईटी और एनटीए ने मिलकर आपके जीवन में कितना ज्यादा धोखाधड़ी किया हुआ है। आप खुद डिसाइड कीजिएगा, मेरा काम है बस आपको एविडेंस दिखाना और आपको खुद एनालाइज करना है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से प्रशासनिक लोगों को भी पता चले कि आप बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले जो सीयूईटी है ये 2022 में पहली बार इंप्लीमेंट हुआ है। इसमें जो इस बार फॉर्म फिलअप हुआ है वो हुआ है 15,90,000। मैं वो मोटी मोटा मान के चलता हूँ कि 90,000 फॉर्म सीयूईटी यूजी में पहली बार भरा गया है। पीजी को मैं अभी अलग रखा हुआ हूँ, ये एनालिसिस बस सीयूईटी यूजी को है, ना ही मैं नीट को टच कर रहा हूँ, ना ही मैं जेईई मेंस को टच कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उन लोग को इंक्लूड कर लिया जाए तो आपको तो पूरा पोल पर्दा ही खुल जाएगा ना कि ये एनटीए कर क्या रहा है। लेकिन बस मैं आपको सीयूईटी रजिस्ट्रेशन फीस और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फीस को इंक्लूड करते हुए बताऊंगा कि एक बच्चा के ऊपर कितना चार्ज ये लोग ठोकने जा रहे हैं। दोस्तों, बीएचयू ने अपने ऑफिशियल जो पोर्टल है उस पर एक ब्रोचर लॉन्च किया है, मतलब रिलीज किया है। उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि आपके पास, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन, यानी ये पैसा आपको वापस नहीं किया जाएगा और इसकी फीस रखी गई है जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपए, यानी बीएचयू भी 200 रुपए आफ्टर सीयूईटी एग्जाम आपसे लेने वाला है। उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी जो है इसने तो एकदम हद ही पार कर दिया। इसने लिखा है रिक्वायर्ड टू पे 1000 नॉन रिफंडेबल मनी, यानी ये 1000 लेगा वो भी नॉन रिफंडेबल मनी है, ये पैसे आपसे वापस आपके नहीं किए जाएंगे। ठीक है, डीयू का देखा जाए तो 250 रुपए है और उसके बाद बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आप बीएचयू पाठशाला के कम्युनिटी में जाकर देख सकते हो। वहां पे ऑलरेडी इतने सारे कम्युनिटी में, देखो यहाँ कम्युनिटी है, आप इसके कमेंट बस देखो, कमेंट ओपन कर लो और इस कमेंट को आप पढ़ो। इस कमेंट में बच्चों ने बहुत ज्यादा कमेंट, देखो जैसे लिखा है नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी जो है वो 800 रुपए ले रहा है, असम यूनिवर्सिटी 1000 रुपए ले रहा है। इस तरीके से आप बस एक एक को पढ़ते चले जाओ, हर बच्चों ने यहाँ में कॉमेंट करके खुद बताया हुआ है कि कितने कितने पैसे इनसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, 800 रुपए, देखो यहाँ पे बता रहा है कि बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड 800 रुपए ले रहा है। ये सब नॉन रिफंडेबल मनी ये लोग ले रहे हैं आपसे, जो पैसे आपके वापस नहीं करेंगे। उसके बाद अब हम लोग पूछते हैं कि भाई ये सीयूईटी आया क्यों है, कमेंट करके आप बता दो कि सीयूईटी आया क्यों है, आप आराम से अपनी भड़ास निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं आपको टोटल, यानी टोटल कलेक्शन बताने वाला हूँ, जिसको ये समझ लेना कि आप लोग इनको दान दिए हो या फिर ये समझ लो कि इनको चंदा दिए हो, और वो चंदा कितना अमाउंट आ रहा है ये देखो। सीयूईटी का जो फॉर्म है मैं मानता हूँ मोटी मोटा स्लॉट वन स्लॉट टू मिला के 1000, वैसे 1000 नहीं है लेकिन मैं कम करके जोड़ रहा हूँ ना, ठीक है ठीक है, हम लोग था उन पर रहम करते हैं। 1000 इंटू 15.99 लाख, यानी 15,90,000 फॉर्म मल्टीप्लाई कर दो। मैंने उसका भी आधा अमाउंट लिया है, 150 करोड़ नहीं लिखा मैंने लिखा 75 करोड़। मैं कम ही अमाउंट लेकर चल रहा हूँ क्योंकि हम लोग गरीब इंसान है ना, हम लोग वो अमाउंट देखते हैं ना, क्योंकि वो तो करोड़ों में बात करेंगे, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 हजार करोड़, ठीक, हम लोग कम में बात करते हैं, 75 करोड़ रुपए। फिर उसके बाद इन्होंने करेक्शन विंडो ओपन किया, कौन सा, अरे आंसर करेक्शन विंडो, उसमें भी इन्होंने कितना रुपए रखा, 200 रुपए, जिसका डेटा अभी तक तो है नहीं कितने लोगों ने करेक्शन किया, लेकिन इसमें भी कुछ तो कमाई किए होंगे, 100, 150, 200, 300, लेकिन नहीं, इनके लिए तो अमाउंट नहीं है ना, इनके लिए करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, ये वाला अमाउंट है। ठीक है, बीएचयू, डीयू, जेएमआई, राजस्थान एंड अदर, यानी टोटल मैं 5 यूनिवर्सिटी को ले रहा हूं, कॉमन जो बच्चों ने कमेंट जो कि अपना ऐड किया होगा, यानी एक बच्चा कम से कम 5 यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन डालेगा, मैं एवरेज लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब वो बच्चा कितना पैसा खर्च करेगा, लगभग 2500 रुपए, 200 रुपए आपका बीएचयू, 250 रुपए डीयू, जेएमआई 500, जबकि जेएमआई 500 नहीं है लेकिन फिर भी मैं कम लेके चल रहा हूँ, राजस्थान 1000, अदर यूनिवर्सिटी में मैंने आपको कोई भी यूनिवर्सिटी रख लेना हो सकता है, तो 500 रुपए, टोटल 2400 समथिंग आएगा, लेकिन मैंने 2500 रुपए लिख दिया, यानी 2500 रुपए अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है। प्लीज, अरे नहीं, रुक जा, एडमिशन नहीं हुआ है, ध्यान रखना, एडमिशन नहीं हुआ है, ये पैसे आपने बस इनको चंदा दिया है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपके एडमिशन को अभी वेरीफाई नहीं करता है। अब आप बताओ कि क्या आप सिलेक्शन हो गया है आपका, नहीं, आप सोच के बताओ कि क्या आपका सिलेक्शन हो गया, क्या आपका भविष्य सुधर गया, क्या आपको कोई यूनिवर्सिटी मिल गई, क्या आपके मनचाहे सब्जेक्ट्स आपको मिल गए, आपको अपनी यूनिवर्सिटी मिली, आपका कोर्स मिला, नहीं नहीं मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने इतने पैसे इनको दिए तो उसके बाद इनको आपने आप दिया क्या, इन लोगों ने आपको दिया, सेंटर पे बुला के भगा दिया, सेंटर पे बुलाया और बोला कि पेपर आज नहीं होगा, सर्वर डाउन है, टेक्निकल एरर है, आप वापस चले जाओ, फिर सेंटर पे बुलाते हैं और क्वेश्चन पेपर बदल देते हैं,
साइकोलॉजी की जगह पे क्या सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, आप इनको देते हो 2500 रुपए और ये आपको देते हैं पेपर, वो भी बिना क्वेश्चन के पेपर। वाह वंडरफुल, ऐसा सेंटर जहां पे क्वेश्चन पेपर ही कम है, तो ये 2500 रुपए में आपको देते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग एनालिसिस करते हैं कि डीयू बीएचयू या यूनिवर्सिटीज वाइज क्या कमाई है, क्योंकि उसने तो अपना कमा लिया जो 150-200 रुपए, बहुत मैंने कम करोड़ बताया, वो तो उन लोगों ने कमाया। अब देखो अभी प्लानिंग 2 बार कराने का है, साल में 2 बार कराएंगे, डबल पैसा आएगा, पैसा पैसा करती है, क्या मजेदार सीन चल रहा है। डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास टोटल जो इनका डेटा है 6 लाख से ज्यादा फॉर्म पड़ा है जो कि बस डीयू में जाना चाहते हैं। अब मान लो कि इनके पास जो अटेंडेंस है वो 15 लाख में से 60% ही है, ठीक है, मैं नहीं मान रहा हूँ कि पूरे 15 लाख, क्योंकि पेपर तो दिए ही नहीं बच्चे, वो तो भाई वो भी तो ध्यान दो कि यहाँ पे 60% ही अटेंडेंस है, यानी मान लो कि टोटल 9 लाख के आसपास बच्चे यहाँ पे फॉर्म जो है पेपर दिए हैं। अब उस 9 लाख में से 6 लाख फॉर्म जो है, वैसे 15 लाख में से 6 लाख है, तो लेकिन मैं मान के चलता हूँ बच्चे अब्सेंट हैं, तो ये 6 लाख में से पूरे बच्चे नहीं जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने, अप्रॉक्स वैल्यू 3 लाख मान ले, तो मैं 4 लाख लिखा हूँ लेकिन आप लोग कम कर लेना इसको, मान लो 3 लाख बच्चे जो है वो डीयू में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कितने की रेट से, 250 की रेट से, अमाउंट आप खुद कैलकुलेट कर लो। बीएचयू 6 लाख फॉर्म, वैसे इनका जो ऑफिशियल डेटा है मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था 7 लाख फॉर्म है, लेकिन उसमें भी अब्सेंट वाला ध्यान देना, तो उसमें भी मान लो 2 लाख, मैं एकदम कम करके ले चल रहा हूँ ना गरीब इंसान, 2 लाख फॉर्म इनके पास रजिस्ट्रेशन होने वाला है, कितने रेट से, 200 की रेट से। उन यूनिवर्सिटी का तो मैं करा ही नहीं जिनको 1000 चाहिए, उनको मैं भूल गया जिनको 3000 चाहिए, ऐसे यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे 1000, 800, 500 ऐसे पैसे भी ले रहे हैं, उनको छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ा अमाउंट वाला यूनिवर्सिटी है। अब इनको आप लोग ऐड करो, उसके बाद ध्यान देना कि ये लगभग मान लो 4 और 2, 6 लाख अगर इनके पास डीयू और बीएचयू मिला के अगर फॉर्म है, वैसे तो मान के चलो कि 60% अटेंडेंस सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे हैं, यानी जो चॉइसेज है वो इन्हीं 2 यूनिवर्सिटीज के पास होगा। अब ध्यान देना कि ये लोग कितने बच्चों का एडमिशन दे रहे हैं, कितने बच्चों को दे रहे हैं, 15,000 और 30,000, मतलब मोटी मोटा मेन कैंपस, ये तो मैंने पूरा 15,000 आपका यूजीपीजी अपडेटेड मिला के बता रहा हूँ, 15,000 का डेटा ये है, और ये 30,000, इसमें अभी बढ़ेगा मान लो 70,000, क्योंकि इनका जो डेटा है वो 70,000 का है, लेकिन मैं 30,000 मेन कॉलेजेस का डीयू का जोड़ा हूँ, यानी डीयू यूनिवर्सिटी के जो टॉप कॉलेजेस होंगे, जो बहुत अच्छे होंगे, जो खुद चाप के पैसा लेते होंगे, उन यूनिवर्सिटी का डेटा बता रहा हूँ कि टोटल ये लोग 50,000 बच्चों को भी एडमिशन नहीं दे रहे हैं टॉप कॉलेजेस में, 50,000 बच्चों को भी एडमिशन नहीं दे रहे हैं, और तब तक इनकी कमाई आप जोड़ लो आराम से, हर किसी का 50 करोड़, 70 करोड़, 60 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, आराम से हर किसी की कमाई यहाँ पे हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि एक छात्र पे कितना चार्ज आने वाला है। सबसे पहले एक ही स्लॉट का फॉर्म डाला 650 रुपए, 2 क्वेश्चन करेक्शन में डाला 400 रुपए, 5 यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डाला 2500 रुपए, उसके बाद फाइनली 200 रुपए वो अपने फाइनल एडमिशन में देगा वो, जबकि वो बीएचयू से होगा और वो बीए कोर्स के लिए होगा तब बता रहा हूँ, बाकी किसी कोर्स में गया तो फिर तो पूछो ही मत। यानी ये जो स्टार्टिंग का डेटा है, इतना जो डेटा है, ये 2500 और 650 रुपए, ये डेटा लगभग अपने देश के 15 लाख जो बच्चे हैं उसके 60%, 15 लाख के 60% जो बच्चे हैं वो ये पैसा बेफिजूल देने वाले हैं गवर्नमेंट को, ये पैसा, ये आप जोड़ लेना, मुझे कमेंट में बताना है कितना पैसा है, ये पैसा बेफिजूल 60% लोग देने वाले हैं गवर्नमेंट को। 60% छोड़ दो यार, अगर 6 लाख बच्चे भी देते हैं मैं कहता हूं तो 6 लाख रुपए क्यों, 6 लाख बच्चे क्यों ये पैसा इनको देंगे, जबकि इन 6 लाख बच्चों का एडमिशन में से बस 50 से 60,000 बच्चों को एडमिशन देना है, सोचने वाली बात है। ये डेटा मैं बहुत कम बता रहा हूँ, मान लो ये टोटल मिलाकर 1.5 से 2 लाख बच्चों को भी एडमिशन देते, लेकिन जिनको एडमिशन दे रहे हो आप उनसे पैसे लो ना भाई, जिनको आप फाइनल कोर्स में इनरोल करोगे, जिनको आप यूनिवर्सिटी दोगे उनसे पैसे लो। आप हर बच्चे से पैसे लेने का कहां तक ये जायज तरीका है कि आप उनसे ये पैसे क्यों ले रहे हो, ये पैसे क्यों ले रहे हो आप ये बताओ। ठीक है आप काउंसलिंग के नाम पे ले रहे हो, रजिस्ट्रेशन के नाम पे ले रहे हो, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन ये तो काउंसलिंग है भी नहीं, क्योंकि काउंसलिंग तो कट ऑफ आने के बाद शुरू होगा ना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मूर्ख बनाने वाली बात है। ये मुझे पता है कि ये काउंसलिंग नहीं है सबसे पहले, क्योंकि ये तो रजिस्ट्रेशन है, और रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे वसूल रहे हो, फिर काउंसलिंग के नाम पे, फिर सीट लॉक कराने के नाम पे, फिर फाइनल एडमिशन के नाम पे, इस तरीके की ये यूनिवर्सिटीज जो है मनमानी कर रही हैं, और यूजीसी यानी जो ग्रांट कमीशन है वो बेबस बैठा हुआ है। भाई किस काम के दादा हो भाई, जब आप यूनिवर्सिटी को चेकआउट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है अगर आप उसको चेकआउट नहीं कर पा रहे हो तो आपके बनने का मतलब क्या है। अब मैं एक स्कैम और बताता हूँ, एक्चुअली देखो
ये देखो पहले, ये जो पेमेंट करते हो इसमें भी जो एक्स्ट्रा नेट चार्ज लगता है ना, ये लोग नहीं पे करते। 12 रुपये, 200 रुपये पे साथ सुन रहा हूँ, 12 रुपये लग रहा है, वो 12 रुपये आपको पे करना है, इनको नहीं पे करना है। और इनका ऑडिट वगैरह होता नहीं है, एजुकेशन सेक्टर GST फ्री है, इनका ऑडिट होना नहीं है, कभी भी ग्रांड कमीशन की ऑडिट नहीं होनी है, इसीलिए झोली में पैसे भर रहे हैं। क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ की जो भी एजेंसीज हैं, इनके छापे कहाँ पड़ने, आप देख रहे हो जो फालतू जगहों पे डालेंगे, इनके जगह भी छापे डालो भाई, ये पैसे भरे हुए इनके यहाँ छापे पारो कि ये क्या कर रहे हैं। वो वाला छापा निकालो ना, छापा मार के कि बच्चों के साथ भविष्य कितना खिलवाड़ हो रहा है, वो भी छापा मार के कोई निकाले, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। तो प्लीज आप लोग से विनम्र निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में एक ट्विटर लिंक है, जाना रिट्वीट मारना। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आप क्या चाहते हो। होपफुली अगर आप सपोर्ट में रहे इस वीडियो पे, अच्छे बच्चे सपोर्ट किए, मुझे लगेगा कि मेरे पास अगर 50,000 बच्चों की कमेटी तैयार हो जाती है, मैं 100% बता रहा हूँ कि ये चीज़ों को चेकआउट करूंगा। आप अगर मुझे सपोर्ट करोगे तब मैं आप चेकआउट करूंगा, क्योंकि भाई मेरे पास अकेले से नहीं होगा, बाकी यूट्यूबर्स को इस पे वीडियो बनाना पड़ेगा, बाकी टीचर को समर्थन देना पड़ेगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। मेरे अकेले से ये चीज़ें नहीं सही होंगी, न्यूज एजेंसीज तो कवर तक नहीं कर रही इस चीज़ को। सो प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल माय सब्सक्राइबर, प्रेस द लाइक बटन, मुस्कुराते रहिए और प्लीज सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग का कमेंट्स और इस वीडियोस के व्यूज बहुत अच्छे रहे तो मैं होपफुली आपको आगे फर्दर सपोर्ट कर पाऊंगा और इन्फॉर्म कर पाऊंगा जो भी इस रिलेटेड अपडेट्स हैं। तो मुस्कुराते रहें, हर महादेव।